पावन अपनी हाथ उठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, इस देव से प्रार्थना है कि कुछ ब्रेक लगा रखें, हमें भी कुछ सुनने दे, फिर अगर तूफान आए तो अच्छी बात, आगे उनकी इच्छा। लीजिए, इन दिनों ये विशेष प्रसंग प्रभु की जी की अपने इष्ट देव भगवान जी की अतीव कृपा के फल स्वरूप चलाए जा रहे गए, साधना में बाधक और साधना में साधक। अभी तो मैं बाधक ले रहा हूं, बाधक का विपरीत अर्थक है साधक और साधक बाधक। अब बाधक को ले रहे, बाधना यानी रुकावटें क्या आ जाती हैं, क्या चीजें हमारे मार्ग में टेम्पटेशन सी बन जाती हैं, इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है। वैसे हमारे भारतीय महर्षियों ने इस पे बहुत ही प्रकाश डाला है, आपके पास तो समय नहीं होता, हम लोग अपनी रिसर्च का आपको पूरा पूरा मौका देती है लाभ उठाने का। तो ये विषय चल रहे गए और मैं आपकी मन की वृत्ति भी जान रहा हूं, भले ही आप ना पूछें तो मुझे मालूम हो रहा है कुछ एक भाषण आप दोबारा सुनना चाहती है, फिर कभी अगर मेरे मालिक ने चाहा तो। लेकिन ये जो प्रकरण चला हुआ है इसे मुझे संपूर्ण करने दीजिएगा। आज हम आगे बढ़ेंगे, आज का बड़ा निराला विषय है, श्रोता खुद ही, मैं वक्ता हूं आप श्रोता सुनने वाले, खुद ही अपने लिए बाधक बन जाता है अगर उसमें ये तीन गुण ना हो तो। वाह, कितनी खोज की है महर्षियों ने, बड़ी भारी उनकी देन है। इसलिए हमारे यहां तीन ऋणों में सबसे पहला ऋण बोला जाता है ऋषि ऋण है, फिर बोला जाता है पितृ ऋण, फिर बोला जाता है देव ऋण। तीन ऋणों से इंसान दबा पड़ा है, सबसे ज्यादा होता है ऋषियों का ऋण, जिन्होंने घोर तप कर करके हड्डियां कर दी अपने शरीर को, उनके शरीर के एक्सरे कराने की जरूरत ही कोई नहीं थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, एक चेहरा पर जलाल और दिव्य ज्योति थी, बाकी सब क्या कहूं मैं, कंकाल, बिल्कुल ही कंगाल, कंगाल औरत है जिसके पल्ले कुछ ही ना न ढेला ना पाई, ये कंकाल काका दो बार यथात बोन ऑफ स्केल्टन, बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा। इतना घोर तप करके जो फिर उन्होंने अनुभव किया या भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, कितनी उनकी कृपा, और उनको लेखनीबद्ध कर दिया, उनको ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि आने वाले हमारे जैसे धार्मिक व्यक्ति कल्याणकामी लाभ उठाते रहे। जैसे आपके पिताजी आपके लिए बहुत कुछ छोड़ जाते थे, छोड़ जाती है, रिवाज बना हुआ ऐसा कि मेरे बेटे को मेरे बच्चों को कष्ट ना हो, मकान बना जाती हैं और क्या क्या कर जाती हैं, बैंक बैलेंस आपके नाम काफी छोड़ जाती हैं, वेल एंड गुड। इस तरह ऋषियों का भी हमारे पर बड़ा ऋण है, जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान दिया और बड़ी अच्छी खोज बताई, जो भी साधक बनेंगे इस मार्ग में उनके लिए भोजन बिल्कुल तैयार है। जैसे आप दफ्तर से वापस आती हैं तो माँ जी भोजन तैयार रखती हैं, हम स्कूल से आते थे तो माँ जी का भोजन बिल्कुल तैयार गर्मा गर्म। ऋषियों ने भी हमें जो मानसिक भोजन दिया है बहुत कमाल का। आज विषय ये बिल्कुल आपके ऊपर है, साधना करने वाला साधक खुद ही बाधा बन जाता है। ये विषय पहले लेना चाहिए था मुझे, लेकिन प्रभु जानते हैं, जब मैं तो बिल्कुल उनकी प्रेरणा के इंतजार में रहता हूं कि मुझे प्रेरणा दे और मैं आगे बोलूं। तो
आज बिल्कुल माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों श्रोताओं के लिए विषय गए, और आप देखना आप बाधित तो नहीं है, अपनी साधना में आप बाधित तो नहीं। यह है आज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी एसेंशियल राधा फ्रूटफुल विषय आप सबके लिए। एकाग्र हो जाइए। साधक में ये तीन गुण होने चाहिए। एकाग्र मेरे सज्जनों, साधक में, अब आप सारे साधक है, साधना कर रहा गए, साधक अर्थ क्या होता है, साधना कर रहा गए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उसको बोलते हैं साधक, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, और अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं, या और उन्होंने बना दिया सीकर, भगवान को ढूंढने वाला, पर मुझे ये अच्छा लगा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस कर रहा है महापुरुषों के अनुसार, वो होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप होते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, डॉक्टरों को बोलते हैं बेटे मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक लॉ प्रैक्टिशनर होते हैं जिनको हम वकील कहते हैं, और आप है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। आओ जरा बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। अब आप देखना आप खुद तो बाधक नहीं है, कहीं खुद तो आप रास्ते के रुकावट नहीं है। ये तीन गुण महापुरुषों ने खोज के बताया कि जो सच्चा श्रोता है और जिसने मर मिटने की कसम खा ली है कि मैंने उन्नति करनी है, कुछ भी हो जाए मैंने उन्नति कर लेनी है, मैं आगे बढ़ चलूंगा, जैसे भगवान कृष्ण कह रहे गए, जैसे उन्होंने अपनी लाजवाब गीता में लाजवाब उपदेश दिया है, मैं भी उनका अनुयायी बनकर पैरोकार बनकर अपना कल्याण कर लूंगा। लो मैं शुरू करता हूं। पहला गुण, पहला क्या हो, श्रद्धा। श्रोताओं में सबसे पहला गुण दिया गया, पहली क्वालिफिकेशन बताई गई, पहली विशेषता कह लो, किसी नौकरी के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जिसको अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं, उन विशेषताओं को देख करके हम प्रार्थी बनते हैं या एप्लीकेशन देते हैं। अब पहली हमारी जो विशेषता है श्रद्धा, इस पर मैंने कई बार प्रसंग अनुसार प्रकाश डाला, आज फिर पुरुषार्थ कर रहा हूं। श्रद्धा है क्या? श्रद्धा का जन्म, श्रद्धा की मां, किसी को पता हो तो, श्रद्धा की मां का नाम क्या है? सत्व गुण तो फिर अनेकों की मां है, वही श्रद्धा उत्पन्न होता है। तो श्रद्धा शुरू कहां से हुई? विश्वास से। एकाग्र जाओ, बड़ा भारी उपकार है इनका, बड़ा भारी उपकार, बल्कि मैं यहां तक बढ़ूं, आप अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते अगर आपको विश्वास नहीं। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप मानते जाइए, अंधाधुंध श्रद्धा ना मैंने रखी है गुरुदेव पर और ना आप रखे, सुन लिया करें और विचार करें, ना मन माने तो अटैक करें मेरे पर, करें गलत है फिर मैं उसको और ढंग से समझाऊंगा, जो कहते सिद्धांत गलत हो नहीं सकता। कोई भी आप काम करने जा रही है, नारी चोला है भले ही, लेकिन आप विश्वास होगा तब करेंगे, और बोलू एक कदम भी नहीं रख सकता इंसान अगर विश्वास ना हो, एक पग भी है, और कोई काम सिरे नहीं चढ़ेगा अगर विश्वास कच्चा है तो है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं पहले विश्वास पूरा कर लो। नाना प्रकार के कार्य क्षेत्र है, नाना प्रकार के कार्य क्षेत्र, उनमें हम देखें कि मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास के तीन क्षेत्र हैं, बौद्धिक रूप से, अच्छा मानसिक रूप से, और शारीरिक रूप से। तीनों क्षेत्रों में विश्वास सीमेंट की तरह सीमेंटेड हुआ हो, ये पढ़ाई तो मैं कर ही लूंगा, और मन कहे वाह मैं काफी टाइम दूंगा, तन कहे जितनी मेरी सेहत है मैं सब इसमें लगा दूंगा, शाबाश। ये तीनों मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन, बुद्धि मन और तन, इसके बाद कहा जाता है क्या, हिम्मत मर्दा मदद करे, गॉड हेल्प्स दोस। हेल्प्स का मतलब है इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकली, बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से।
अगर तीनों आपने लगा दी, परमात्मा कहते मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि इन तीनों के पीछे परमात्मा की शक्ति है जो काम कर रही है। आमतौर पर जो मेरी बेटियां या मेरे बच्चे किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में नाकामयाब होती है अपनी मूर्खता के कारण से, या तो आपका इरादा कच्चा होता है, या आपका मन इरादा का साथ ही दे रहा होता, या तन में आपकी इतनी मजबूती नहीं होती। अगर ये तीनों ही आपके साथ दें, मेरे परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ है। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स का अर्थ निकाला करें बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप से, और हम शक्तियां लगाएंगे कहां? हमारे पास तीन शक्तियां, बुद्धि की, मन की और तन की। इसके परे आत्मा की शक्ति और भगवान की अपनी शक्ति है, उस पर तो हमारा जोर नहीं, पर भगवान कहते जोर है, अगर तुम तीनों शक्तियां लगाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और बकवास करूं? बाबा बकवास कह रहे हो? हां, अगर कोई नीच से नीच काम भी तीनों शक्तियों से किया जा रहा है, भगवान शक्ति लगा के कामयाब कर देंगे, लेकिन आपको भुगतान बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देखो 18वें अध्याय में क्या, रवा काम हो या ना रवा काम हो, इन्हीं पांचों से सरे अंजाम। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण, उचित काम है या अनुचित, कोई वैध है या वैध, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, पर होगा क्या इन्हीं पांचों से, जो भगवान ने कहा पांच किसी काम के होंगे पांच सबब। यहां तक कहा भगवान ने रवा ना रवा, उचित अनुचित, अनुचित कार्य क्या हो गया, गंदे मंदे काम, मैंने इसी के साथ शादी कर ली है गंदा काम है, मैंने क्या जरूर डाका मारना है गंदा काम है, मैं उसको कतर करके छोड़ूंगा गंदा काम है, ये सारे अशुभ कार्य कहा गया। लेकिन अगर तीनों शक्तियां लगा दी तो भगवान आपके साथ है, पर उसका परिणाम के वक्त भगवान पीछे हट जाएंगे। वाह, क्योंकि भगवान का नियम है अच्छे से अच्छा, अच्छे से और बुरे से बुरा। जैसे बीज बोएंगे वैसी ही खेती दिखाई देने लगेगी, इसमें भगवान जिम्मेवार नहीं, भगवान तो आपके साथ तब है चाहे भला काम बुरा काम होगा, क्योंकि आपने तीनों जी मिला दी बौद्धिक मानसिक शरीर रूप में। फिर कभी भगवान ने चाहा तो मैं अभी अपने प्रसंग के ही इर्द गिर्द आपको परिक्रमा कराने जा रहा हूं। अब हमारी ये साधना, साधना का मैंने अर्थ बताया, कोई भी धार्मिक क्रिया जो हमारे अंतःकरण को निर्मल करे, कोई भी धार्मिक क्रिया जो भी आप कर रहे हैं उसका एक अर्थ लगाना, एक अभिप्राय क्या है, अंतःकरण की सफाई। और अगर कुछ अर्थ लगाएंगे तो आप मूर्ख बनेंगे, मेरी भैया और मेरी बेटी, और कोई अर्थ ना लगाना। आप जाप करती हैं, भजन करती हैं, सत्संग करती हैं, गीता जी पढ़ती हैं, प्रातःकाल उठकर भगवान के चरणों में हाजिर देती हैं, नाना प्रकार के दान करती हैं, किसी की सहायता करती हैं, जो और भी कोई भला काम करती हैं, उसका रिएक्शन, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, अंतःकरण की सफाई। हां, भगवान कहते हैं इनको ये भी बता दे, जरूर बताने को तैयार, जो प्रेरणा दे रहे हैं प्रभु, भला काम तब माना जाएगा अगर केवल भगवान के नाम पे किया जा रहा, वरना भगवान उसको भला काम नहीं मानते। जी गीता कृष्ण में आपको स्पष्ट कहूं, अगर आपने लोक दिखावे के लिए, लोकाचार के लिए काम किया है तो फिर वो भगवान, वो उसको भला काम नहीं कहा जाता है। भला काम तो तब होता है फकत मेरी खातर तू, ये तो अनुवाद है भगवान जी के मूल शब्द के, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, जहां तक तो भगवान है कि तेरा खाना पीना, अगर खाने पीने में भी आप स्वाद ले रही हो तो फिर उसकी जिम्मेवार आप बन जाएंगे। मैं खाती पीती हूँ इसलिए मेरी सेहत बनी रहे, और मैं सेहत इसलिए बनाकर रख चाहती हूं कि मेरी साधना चलती रहे, मैं अपनी साधना में रुकावट ना देखू। शाबाश, तो विश्वास मान जाइए, किसी भी क्रिया को आप करेंगे उसके पीछे विश्वास होना चाहिए। अब हमें विश्वास है भगवान जी पर, शुरू में विश्वास हुआ और उनके उपदेश पर, जब जब भी आप यहां तशरीफ लाए, जब शुरू से, चाहे आपको कितना से पहले विश्वास, किसी ने विश्वास दिलाया और उस पर आपने क्यों विश्वास किया, किसी ने उस पर आपको विश्वास था, ये तो गप्पे मारती रहती है, इनकी बातों में क्यों, अगर उस पर विश्वास ना था आप यहां ना आते। जो भी कोई आपको लाया है आपको उस पर विश्वास था, वाह, और फिर बताऊं उसको आप पे विश्वास था कि मेरा कहना मानेंगे। जब उसने कहा एक बार तो चलिए भगवान जी की वाणी सुनने, तो उस पर आपको और आपको उस पर, दुनिया का सारा चक्कर इसी से चल रहा हो, बेटे बाप बेटे पर विश्वास, बेटे को बाप पर विश्वास, बहनों बहनों का विश्वास, भाई बहनों का विश्वास, माँ को अपने बच्चों का विश्वास,
ग्राहकों को अपने दुकान का दुकानदार का विश्वास, दुकानदार को अपने ग्राहकों का विश्वास, स्टूडेंट को अपने पास होने का विश्वास और पढ़ाने वालों को अपने तजर्बे का विश्वास, जो भी कुछ आप कहेंगे विश्वास के साथ। नई दुनिया का काम होता अगर आप में विश्वास ना हो तो। आप इस मार्ग को लो, आपको विश्वास था, फिर जो जो आपने गीता पढ़ी गीता सुनी जी, विश्वास बढ़ता गया। क्योंकि निराली बातें कभी सुनी नहीं थी भगवान जी की, आपको और भी विश्वास आ गया, जिससे कुछ निराली अवस्था जिसका वर्णन मेरी जबान से नहीं हो पाएगा, वो हमारे अनुभव का विषय है, आपकी बनने लग गई। हर एक जो भी लगातार आ रही है, विश्वास कुछ बढ़ा कब, जब एक निराली अवस्था आपके अंदर ही अंदर आपके शुभ मन ने अनुभव करनी शुरू की। विश्वास या सुनने के बाद भी मन के दो भाग हो गए, शुभ और अशुभ, एक पहले संसारी मन, एक ये परमार्थी मन। मन के दो भाग, गुड विल एंड बैड विल, पाक दिल और उर्दू वाले बोलते हैं ना पाक दिल। हमारे मन के दो भाग, शुभ और अशुभ। शुभ मन दिन बदन बढ़ता गया, अशुभ संसार संबंधी मन जो कि कल्चर में कामनी में कीर्ति में गलतान था, उसकी शक्ति घटती चली गई। इधर विश्वास आपका और बढ़ा और ये विश्वास हो गया कि यही मेरे सुख की राह है, यही मेरे कल्याण की राह है। कभी बार रो पड़ना के पहले क्यों नहीं पता लगा हमें, ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई, काफी जिंदगी गवा दी, ऐसे ही मिट्टी डाल दी अपने अनमोल आयु पर, तो विश्वास जरा और बढ़ गया। और ये बढ़ गया कि अब तो मैंने सत्संग नहीं छोड़ना, अब तो मैंने गीता का पढ़ना कभी नहीं छोड़ूंगा, और जैसे भगवान कह रही है मैंने बनना ऐसी है, तो विश्वास से श्रद्धा पैदा हो। विश्वास मां है श्रद्धा की, पहले विश्वास, पहले टू बिलीव, फिर फेथ। अगर इसे बिलीव कहेंगे या नाउन बना लो बिलीफ, फिर हम फेथ कहेंगे। पहले आपको विश्वास होना चाहिए, ना होता आप किधर एक पद भी नहीं रखते, बिल्कुल आप एक ही तो आउट ऑफ दी वीक है, आपको स्पेशल इधर आना पड़ेगा ये इरादा रख करके। तो सारी दुनिया में काम मैंने कहा विश्वास पर, और ये भी विश्वास पर, विश्वास बढ़ गया श्रद्धा। श्रद्धा में क्या होता है भगवान, अब विश्वास को बढ़ा ना, भगवान के बिना मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, भगवान के बिना मुझे सदा रहने वाली शांति कोई नहीं दे सकता। ये जो आवागमन की बड़ी बुरी बीमारी संसार में शुरू है, भगवान के अतिरिक्त किसी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे आवागमन की बीमारी को दूर करे। तीन प्रकार के दुखों से जो मैं झुलस रहा हूं मर रहा हूं, भगवान ही सर्व समर्थ है जो मेरे तीन प्रकार के दुखों की जड़ें काट के रखेंगे, इसको श्रद्धा बोलते हैं। अर्जुन के शब्दों में बोलूं मेरी देवियों सजनों, भला दूसरा है जहां में करे दूर मेरे जो वहमो गमान, इज इक्वल टू अटूट श्रद्धा। इस सारे श्लोक का एक शब्द लिया जाए अटूट श्रद्धा, अनशिकमल फेथ। भगवान आपकी स्वर कौन होगा जो मेरे अंदर के सारे संशय को मिटा दे, सब संस्कारों को मिटा दे और मेरा कल्याण कर दे। मैं आपके सिवा और किसी को नहीं जानता और कोई कर ही नहीं सकता, वाह, इसकी श्रद्धा कहती है। विश्वास की यह अवस्था नहीं बनती, विश्वास तो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। श्रद्धा में आ जा, विश्वास से श्रद्धा पैदा जाती है। आप किसी की मजाल नहीं आपको इस मार्ग से हटाए, या आपकी अपनी भी ताकत नहीं क्या आप इस मार्ग से हट सके है। अब ये आपके अपनी, मैं कैसे आश्चर्यजनक शब्द बोल रहा हूं, आपके अपने वश की बात नहीं कि आप जाप न करें, आपके अपने वश की बात नहीं कि आप प्रातःकाल ना उठे, आपके अपने वश की बात नहीं कि आप सत्संग में ना आए, आपके अपने वश की बात नहीं कि भगवान के बारे में अध्याय के बताए हुए गुणों के अनुसार अपना जीवन ना बनाए। इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल। कैसे? चूंकि श्रद्धा बड़ी गहरी उतर गई है, जब गहरी उतर जाती है तो मन और बुद्धि उसी रंग में रंगे जाते हैं। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो और हर एक उपस्थित सज्जन धार्मिक भाई और मैया और मेरी बेटी पे लागू हो जाए, कि आपके अपने वश की बात ही ना रहे। नहीं, मेरे वश की बात नहीं, मैं नहीं रहती। जैसे दो प्यार करती हैं ही शी, और उनके वश की बात ही नहीं रहती कि नहीं अब तो हमने शादी करनी ही है, माँ बाप नहीं मानते या कोई नहीं मानता, अब हम नहीं रह सकते। आखिर में या तो माँ बाप मान जाती है तो या फिर कचहरी का तो गंदा तरीका है। तो उन्हीं की तरह तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने दृष्टांत दिया जो समाज में आम हो रहा,
आप कहते हमारे बस की बात नहीं, हमें अब भली प्रकार पता लग चुका है कि ये चीज हमारे हित में है या अहित में है, ये हमारे लिए अच्छी या बुरी है। अब अखी वेख के मेरे को मक्खी नहीं निकली जाती, इसको श्रद्धा कहती। पहले नहीं पता था तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती रही, लेकिन अब तो मुझे पता लग गया है, बस अब मेरे से उल्टी हो, अब मेरे से यह बातें नहीं बढ़ती। ऐसी आपकी श्रद्धा की बदौलत आपने श्रीमान जी की संगत छुड़ा दी, श्रीमान की शराब छुड़ाई, श्रीमान के अंडे खाने छुड़ाए, श्रीमान के मांस खाना छुड़ाया। कि देखिए श्रीमान जी, मैं आपको स्पष्ट कहूं, जो हमने मिट्टी पाई आपने भी मैंने भी इकट्ठी पाई, अब तो रल के धुएं, ये चीजें मैं नहीं बनाऊंगी आपको। बिल्कुल ठीक है, मेरे मन ने बगावत कर दिया कि ये गंदगी हम नहीं घर में बनाते। पता नहीं कितने पाप के भागी बने होंगे, कितनी मुर्गियां खा गए हम, कितने मुर्गे खा गए, कितने हम लोग मांस खा गए, कितने कुछ। अब नहीं होगा, मैं कब इनकार करता हूं, मैं तेरा पूरा पूरा साथ दूंगा। पत्नी को सहचारिणी बोलते हैं, आपको पता है शब्द, आदमी को सहचारी बोलती है, सहचारी उर्दू बोलेंगे हमराही, और पत्नी भी हमराही है, हमराही में सह मैंने साथ साथ, चारणी पति के कदम ब कदम रखने वाली, पग पग पर साथ देने वाली, कितना प्यारा शब्द है सहचारिणी, वाह। तो मैं आपकी सहचारिणी हूं, अब मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, एक बात मैं और भी कहूं आपसे, कहो क्या, मैं अब सर्विस भी नहीं करूंगी। मैंने बहुत सर्विस की, अब तो मैं रिटायर, पहले काफी मेरी बच्चियां हैं, 1, 2, 3, 4 रिटायर हो चुकी है, पहले ले ली कि बस मैंने तन के टुकड़े काट डाले, अब मेरे जोड़ों में भी दर्द होती है, ताकत रही नहीं, पहले तो धन मुखता, अब तो भक्ति मेरे लिए मुख्य, जो मेरी आयु रहेगी ये सेहत है मैं भगवान में लगाऊंगी, अब मैं कमाने कमाने नहीं है। चलो मैं एग्री करता हूँ, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, जो तू अपनी खुशी से कर रही थी मैंने तो कभी तुझे मजबूर नहीं किया, सब कुछ आपके हक में होता गया जब श्रद्धा बन गई, सब कुछ अब अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, बड़े बच्चों को काका संभालो, मैं देख देख के बड़ा खुश होता हूँ, मेरे भगवान ही खुश होते होंगे, काफी आपने बेटे ने जिम्मे कर दी, बेटे को मरे कर दिए तुम जाओगे, मैं अब नहीं जाऊंगा। ठीक है पिताजी, दुकान पर मैं केवल 2 घंटे दूंगा, उसके बाद मैं कोई नहीं, अब तू संभाल, तेरा काम संभाले। पुत्र विदेश में मैं बाहर जाता था दिसावर में सामान लेने, अब तुम जाओगे। ठीक है पिताजी, ये क्या बात, नहीं पुत्र मेरी आयु कितनी हो गई है, पहले मेरी बेवकूफी थी जो मैंने पता नहीं क्या सोच रखा था, अब नहीं, ये श्रद्धा की बदौलत, इतनी श्रद्धा होगी कि आपको समझ आने लगी कि ये अनमोल समय मैंने सारी जिंदगी तबाह कर दी, 50-60 साल का हो चुका हूं, अब जो मेरी रही खही रह गई है लगाऊं भगवान के अर्थ, आज मोया कल दूसरा दिहाड़ा, फिर भी तो ये संभालेगा बच्चे को, आपने कहा बच्चा अगर मैं अचानक मर जाऊं फिर संभालेगा नहीं, तो यही समय लेकर पिताजी को मैं रिटायर कर दूं, जरूर मरने के बाद मुझे कहना है कि तुम काम संभालो, देख लो आप कितने आजाद हुए बच्चे हैं, आप और भी कुछ करते थे बाजार मजदूर में, ये जाओ वो सब छोड़ दीजिए, ये होती श्रद्धा की बदौलत इंसान के, मैंने यही कहा था आपके अपने वश की बात भी नहीं रहती, इतनी श्रद्धा गहरी उतर जाती है, एक एक रग में, नाड़ी में, रेशे में, बल्कि खून के एक एक कतरे में, नहीं खून के कतरे के अंदर, खून के कतरे में होता सेल जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु में उतर जाती है भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति और अपने कल्याण की भावना। श्रोताओं में ये गुण व्यास जी ने कहा लाजमी तौर पर हो, अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, तब श्रोता रूहानियत की मंजिलों को तय कर पाएगा, आमतौर पर ऐसे श्रोते नहीं होते, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है आप पर देवी, मैं कोई बढ़ा के बात कभी नहीं किया करता, सच्चाई की बातें प्रकट करता हूं, मैं आपको पंपिंग नहीं देता वरना मैं आपका वैरी बन जाऊंगा, मैं आपका हितैषी हूं वैरी नहीं, आप में ये गुण नजर आता है, आप श्रद्धा तक सारों का लीडर मैं नहीं कह रहा पर काफी श्रद्धा की स्टेज तक आ चुके हैं, आपका शुभ मन ही आपका गुरु बनता जा रहा है, आपका शुभ मन आपका गुरु बन रहा, आपका गाइड है जो आपको अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है, ये समय बचाओ, एकांत में रहो, इधर करो, ये कौन गाइड करता है, मैं तो थोड़ी देर के लिए आपको मिलता हूं, ये आपका शुभ पवित्र प्योरिफाइड क्लैरिफाइड माइंड, मन में बड़ी ताकत है, अगर हम इसको पवित्र कर रहे हैं, आप खुद ही देखती जा रही हो, बड़ी शक्ति है मन के अंदर, पर हमने गंदा कर दिया ना,
इसको गंदगी के कारण से इसमें गंदी वृत्तियां बढ़ा ली बस आप, वरना नारी में तो बड़ी ताकत थी अगर गंदगी आप में ना आती। पर ये जब गंदी वृत्तियां आप में आ गई किसी कारण से, तो मन और बुद्धि दोनों की शक्ति कम होने लग गई दोनों कही। तो आइएगा, श्रद्धा श्रोताओं में अनिवार्य गुण है, जिनमें कमी है अगर वो विश्वास पे बैठेंगे तो कोई भी बहका सकता है। विश्वास कच्ची अवस्था होती है, कोई बहका देगा चल चल मैं तुझे और कहीं ले चलूं, गीता से क्या बना है, कल युग में गीता नहीं काम आती, कल गीता तो सन्यासियों का शास्त्र होता है ऐसी बहका देंगे। अगर आपके विश्वास तक का है अवस्था तो कोई बहका भी सकता है, गिरा भी सकता है, यहां से हटा भी सकता है और शायद आपको नाश्ता भी बना दे, है क्योंकि विश्वास है ना अभी। तो कच्ची अवस्था, कच्ची अवस्था टूट सकती है, कच्ची अवस्था टूट सकती है, क्षमा करना। ऐसा एक दृष्टांत दिया, विश्वास की वो अवस्था होती है जैसे मेरी बच्ची के पेट में बच्चा हो, जैसे कि आप गर्भवती होती है तो भगवान सिरे चढ़ाए वरना गर्भ गिर भी सकता है, कच्ची अवस्था है ना। इसलिए उन दिनों आपको बहुत ही निगरानी और रखवाली करनी पड़ती है। इस तरह विश्वास की अवस्था गर्भिणी की अवस्था है, जो मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट तो हो गए हैं पर कच्ची अवस्था है, इसलिए इसे पक्का करने की कोशिश करो, जाप बढ़ा लो। अच्छा, बारहवें अध्याय में जो गुण बताएंगे कोई गुण अपना तो बना लो, केवल शास्त्रों के पन्नों में और स्याही काली में न रह जाए, वो आपका अपना बन जाए, वरना विश्वास की अवस्था मैंने गर्भिणी की अवस्था बताई थी, जरूरी नहीं है कि वो गर्भ सिर में चढ़े। इस तरह जरूरी नहीं कि आपका विश्वास पक्का हो जाए, जैसे बेटियां बड़ी निगरानी रखती हैं उन दिनों, आपको भी इनकी अवस्था विश्वास में है और पढ़ो, ये दो पर जोर दे दो, विश्वास पर क्षमा भगवान के नाम जाप पर और प्रातः काल उठना, ये दोनों पर जोर दे दो, विश्वास श्रद्धा में आ जाएगा। या मैंने कहा बारहवें अध्याय के जो गुण बताया वही है मेरा भक्त, कोई गुण आपके अपने बन जाने चाहिए, कोई गुण आपके अपने बन जाने चाहिए, शाबाश। जैसे आपको अपनी माँ ने बहुत जेवर दिया, सास ने बहुत दिया, लेकिन आप रो पड़िए एक दिन, माँ जी सास को आप कह रही हैं, क्या ये सारा जेवर बैंक के लॉकर में रखवाने योग्य है और मैं नक्को कन्नो बुत्ती रहूं, फायदा क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझे 10 तोले दिया, आपने मुझे 20 तोले दिया, इतना जेवर होते हुए मैं नक्को कन्नो बुत्ती, नक्को कन्नो बुत्ती बेटे कुछ भी नहीं पहनना बिल्कुल, मेरी ये वो तो फायदा क्या हुआ, ज्यादा नहीं तो एक मेरे नाक में दे दो, एक मेरे कान में दे दो, एक दो चूड़ी मेरे हाथ में दे दो, पुत्र मेरी बेवकूफी लानत मेरी, चल मेरे साथ बैंक अभी निकाल कर वाकई तो रखने का फायदा ही कुछ नहीं। अगर मैं अपनी बहू को जो मेरी एक एक बहू है न अपनाया तो क्या फायदा, तो गीता में आप गुण पढ़ती है भगवान के, तो क्या कोई भी गुण नहीं अपनाया आपने, शेम। जैसे लाकर में उस बिचारी का जेवर पड़ा हुआ 30 तोले और आप नक्को कन्नो बुत्ती, हाँ कुछ भी नहीं। इसी तरह बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गया ये, इसी तरह आप पढ़ते लेते कोई गुण आपका अपना नहीं बना, इतने भगवान ने गुण गिनाए हैं बारहवें अध्याय में अपने भक्तों के, तो कोई तो अपना बना लो। जैसे वो कहती चल माँ ज्यादा नहीं चूड़ियां पहना दो, नाक में पहना दो, मैं छेद करवा करवा के मर गई थी, एक कान में छेद करवाया और मां इतने पीले फसा फसा के मर गई, कोई एक हाथ तो दे दो, चलो ठीक हो गया, वेल एंड गुड। इस तरह अपने मन को चोट मारो कि क्या मैं पढ़ती रहूंगी, वही है मेरा भक्त प्यारा, कोई गुण मेरा बन गया है, और प्रातः काल में उठ के भगवान के चरणों में हाजिर देता हूं तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको ये मेरा अपना अनुभव है। क्या कि आपकी श्रद्धा अब विश्वास पैदा करेगी अपने बेटे श्रद्धा को, बिलीफ से फेथ हो जाएगा, उर्दू वाले बोलते हैं यकीन से एनुल यकीन हो जाएगा, फिर बाद में होगा हकुल यकीन, तो एनुल यकीन पर तो आ जाओ, यकीन वाली कच्ची अवस्था होती है। श्रोताओं में कौन सा गुण चाहिए, अटूट श्रद्धा, इतना आप पर मान हो कि देवी देवता भी आ जाए तो मेरी श्रद्धा को भगवान के प्रति भगवान के उपदेश के प्रति जरा भर भी कम नहीं कर पाए, मैं अपनी मोटी मोटी कटवा लूंगा लेकिन अपने इष्टदेव और उनके उपदेश के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं गिर सकती, ऐसे आपका रोम रोम बोल उठे, मुक्त हो बन और अंदर से आवाजें आए। सच्चे प्यार के बारे में यही तो कहा गया
जिन्हों का इष्ट सादिक मैंने सच्चा है वो कब फरियाद करते हैं, वो बकबक नहीं किया करते, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते, आहे ना बड़ी शिकवे ना किए कुछ भी ना जबान, मैंने जबान भी नहीं खोली। जरा देखिए कितने सुंदर शब्द है, सराहनीय है। मैं तो अपने जंगल में ही उसको प्रणाम किया था, अभी जिसने ये गीत बनाया है, बिल्कुल दिव्य प्रेम की भी यही अवस्था होती है। आहे ना भरी शिकवे ना किए कुछ भी ना जबा से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप ना सकी जब तेरा किसी ने नाम, बड़ी छिपाई मैंने मोहब्बत पर जब तेरा किसी नाम या जिक्र हुआ बस मैं फूट फूट के रो पड़ा। इस पर भी मोहब्बत छिप ना सकी जब तेरा किसी ने नाम, यही होता है जब भगवान का जो आप जाप करती हैं। हाँ अगर मैं वो कीर्तन कराऊं कितनी दशा आपकी बनती हुई, आप श्रीमान का कोई नाम जिसको आप जाती थी कोई नाम, बस आप आपे से बाहर जाती थी, आप उस जगह को छोड़ जाती थी, आपकी आंखें डबडबाती थी। यही प्यार की अवस्था होती है, प्यार बोला नहीं जाता, प्यार मन का विषय होता है। तो आप अपने आप से देखिए इष्टदेव और शास्त्र के प्रति या इष्टदेव और उनके उपदेश के प्रति आपकी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा हो चुकी है। श्रोताओं में सबसे पहला गुण उनमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि अब उनका मन कहीं और ना लगे और उनके अंदर गहरी बात उतर जाए कि इनके बिना भगवान जी के बिना और भगवान के उपदेश के बिना अब मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, कोई नहीं मेरा कल्याण कर सकता, चाहे देवता भी उतर आए चाहे ब्रह्मा विष्णु में यश भी उतर आए, कल्याण मेरा नारायण से होगा, बस अब आपको कोई नहीं गिराएगी। इसकी श्रद्धा बोलते हैं, विश्वास से शुरू हुआ है, विश्वास से शुरू हुआ श्रद्धा पे जा पहुंचा। शाबाश, जैसे आप अंबाला से शुरू हुए चलने गाड़ी में और जा पहुंची आप पानीपत, इसलिए इंसान विश्वास से अपनी गाड़ी चलाता है, कुछ मेरे पर विश्वास, कुछ स्थान पर विश्वास, हाँ कुछ आने वालियों को देख करके विश्वास शुरू में, कुछ गीता को निराले ढंग से सुना तो विश्वास, कुछ गीता को जाके पढ़ा तो विश्वास, ये सारे विश्वास विश्वास होते गए, लेकिन जब आपने अपनाने की कोशिश की और कुछ रस आने लगा तो विश्वास जी महाराज और आगे बढ़े, विश्वास और आगे आपके निकल गए। तो श्रोताओं में पहला गुण अविचल अडिग श्रद्धा, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने उनके उपदेश के प्रति। गुरु पर इसलिए नहीं कहा गया कि गुरु चंद दिनों के बाद शरीर छोड़ जाता, वो रहती नहीं है, इसलिए व्यास जी उनका नाम लेती हैं जो थे हैं और सदा रहेंगे। और अगर गुरुदेव जी बने हैं तो कहां से बने हैं, भगवान जी से तो बने हैं जन्म से, गुरुदेव तो सुखदेव जैसी थोड़े सी उंगलियों पर गिने जाती हैं, कोई साधना करके ही उस अवस्था पर जा पहुंचता है, तो साधना किसकी, भगवान की और भगवान के उपदेश की। इसलिए व्यास जी ने कहा कि हमने दोनों की महत्ता बढ़ाई है, भगवान की और भगवान की, अपने इष्ट देव कह लीजिएगा, लेकिन इष्ट देव भी तो आजकल जमाना बड़ा गंदा है बेटे, इष्ट देव भी भगवान होने चाहिए, देवी देवता नहीं होने चाहिए, मैं आपसे बार बार कहूंगा, फिर इस जन्म में कल्याण नहीं हो सकता। अगर देवी देवता आपने इष्ट देव बना लिया तो बड़ी भारी भूल की है, इष्ट देव नारायण होती है। कौन नारायण, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए उसको बोलती है। हम लोगों ने मूर्खों के कहने पर जनक करे को इष्ट देव बना लिया, लो देवियों को इष्ट देव बनाई फिरती है, देवताओं को इष्ट देव बनाई फिरती है, ये हमारी भूल है। हमने शंकर को इष्ट देव बनाया तो शंकर किसकी तप करते हैं, भगवान की। कईयों को मैंने समझाया अगर उन पर असर पड़ गया, भाई तुम उसको इष्ट देव बनाओ जिसको शंकर जी इष्ट देव बनाते हैं, जड़ पकड़ लो टहनी को पकड़ते हो, हाँ कुछ समझाता नहीं ना बताते ही नहीं, कोई हम लोग को समझाया तब ना, कोई विष्णु जी को बनाते तो विष्णु जी किसके लिए तप करती है, जड़ पकड़ लो, बिल्कुल जड़, क्या मैंने इस संसार की जड़ पकड़नी है, लो पंद्रहवा अध्याय क्या भगवान ने कहा, जड़े जिसकी ऊपर तले, मैं इस संसार की जड़ हूं, ये सारा संसार एक पीपल, बड़ा कमाल का दृष्टांत दिया, एक पीपल के वृक्ष की तरह है जिसकी जड़े मैं हूं और ये सारा संसार डालियों पत्ते की तरह नीचे फैला हुआ, फर्क ये इसकी जो वृक्ष दिखाई देते हैं इनकी जड़ें धरती के गर्भ में होती हैं और भगवान सर्वव्यापी उनके कारण से जड़ें इसकी ऊपर है, ऊपर मीन्स गॉड इज ओमनी प्रेजेंट,
हरजाई है ना, इतनी श्रद्धा है आप में। श्रोताओं में तीन गुण और अनिवार्य रूप से चाहिए, इतनी श्रद्धा है कोई गिरा न सके, कोई बहका न सके। जमाने में आमतौर पर ये बीमारी जा रही है कलयुग में, खुद नहीं अपनाना दूसरे को बहका देना। दे ओनली नो इंड्यूसमेंट, उनको इंड्यूसमेंट इंड्यूस कर देना है, खुद नहीं अपनाने वाले। अनजाने रूप में आजकल ऐसी गंदगी चल रही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। अनजाने रूप में ये गंदी हवा चल पड़ी है, अपनाने वाली तो है नहीं, लेकिन आपको गिरा देंगे, आपकी श्रद्धा को हटा देंगे। ऐसी तो गंदी कच्ची अवस्था आपकी नहीं, मैं तो गर्भ का दृष्टांत दिया है। अगर किसी की विश्वास पे अवस्था है तो बड़े ध्यान के साथ विश्वास को श्रद्धा तक ले जाओ, आगे बढ़ा दो श्रद्धा तक कि महाराज जी के बिना मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, और हजूर के उपदेश के बिना कल्याण करने की समर्थता भी किसी में नहीं है। और अर्जुन का ये श्लोक भी कई बार बोल के रो पड़े करो, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहम, मेरे अंदर को धो सके ऐसा तो कोई भी नहीं प्रभु, आपके अतिरिक्त केवल आप ही तो हैं, ये आप में ही शक्ति है कि आप मेरा कल्याण करें। ऐसा वचन मुझे कौन देगा आपके सिवाय, प्रभु तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर, भगवान के सिवा कौन। आप वैसे सोचो कोई जुरत कर सकेगा ऐसा, प्रभु के सिवा कौन जुरत करेगा। एक महाराज जी कह सकते तेरे पापों को भी धो दूंगा, हाँ और तू घबरा नहीं, कोई साधना रह गई तो वो भी मैं तेरी पूरी कर दूंगा। ये सर्व समर्थ कह सकती है, एक ऑर्डिनरी मैन नहीं कह सकता। गुरुदेव भी शायद कांप जाए ये कहते हुए, हैं इनके सारे पाप भी दूर कर दूंगा और इनको सदा रहने वाली शांति में तो साधन बता सकता हूं, वो भी चुप हो जाएंगे। ये नारायण बताते खुद, जो सर्वशक्तिमान हो, जो ओमनीपोटेंट हो, वो ये कह सकते। जहां जहां गीता जी में तो ऐसा गजब ढा दिया है, इधर से चले उधर से चले मेरे सब है रस्ते, ये सिर्फ नारायण कह सकती है ना। इतनी समुद्र देवी, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस या लिबरल माइंडेडनेस एक भगवान दिखा सकते हैं, दूसरा कौन दिखा है। वो तो लिमिटेड पावर होती है उसमें बेटे, उसमें पावर ही ससीम होती है, असीम कह सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो सीमा में है वो ये नहीं कह सकते। इस तरह आप अपने आप को टटोल लो, मैं अपना जिम्मेवार हूं श्रद्धा में, आप अपने जिम्मेवार हैं। दुनिया ने तो तोड़नी है, आपका विश्वास तोड़ना है। अगर भी श्रद्धा तक नहीं अवस्था बनी तो विश्वास तो कईयों को तोड़ दिया, और क्या हुआ वो बेचारे कई साल तबाह करके खराब कर, कई बेवकूफों ने आत्महत्या भी कर। आते में कुछ और समझा देता, किस मुंह से हम जाए शरीर ही अपने छोड़ दिया। बहकाने वालों को तो कुछ नहीं मिलता, पर आयु तबाह हो जाती, आयु बर्बाद हो जाती है मेरी बेटी। तो आप पक्के हैं इस बात में पक्के रहना कि अब तो मैंने भगवान की भक्ति ही कर ली। तो श्रोता का पहला गुण आ गया, क्योंकि महाराज जी कहती है श्रोता खुद ही बाधक होता है अपनी साधना में, अगर उसका विश्वास ही विश्वास हो और विश्वास में श्रद्धा ना उत्पन्न हुई हो। तो विश्वास में अगर श्रद्धा नहीं निकली तो फिर तो कभी भी कोई गिरा देगा आपको, आपकी तो कच्चे मन की होती है, तन भी नरम और मन भी नरम, और अगर मन विश्वास में है फिर तो कोई पता ही नहीं। किसी दिन कोई ले जो मशहूरी हो चुकी है, आप सत्संग में आती हैं, इश्क और मुश्त छुपिया नहीं छिपले, जब बड़ा छुपाने की कोशिश की लेकिन ये कहा छिपे, प्याज घर में तोड़ो और इर्द गिर्द गंध ना जाए। अच्छा, और प्यार किसी से करो और किसी को पता ना लगे, ये असंभव बात है। लव एंड कफ कैन नेवर बी हिड, अंग्रेजों को उन्होंने और ही बना लिया कि प्रेम करो तो किसी छिपेगा नहीं और अगर खांसी हो तो भी छिपेगी नहीं। लव एंड कफ कैन नेवर बी हिड, बिल्कुल ठीक है, ये छिपाया नहीं छिपते, तो बहकाने वाले बहकाएंगे। पता नहीं क्या क्या बातें करें, पर आपकी श्रद्धा की अवस्था है आज जाके सोचना, अगर है तो मेरी बधाई, हार्दिक मेरी बधाई, शुभावधाई। अगर श्रद्धा तक आप ले गए हो, आपकी विश्वास में से श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, तो अब तो किसी की मजाल नहीं। तो उसके बाद क्या होती है, इस अवस्था के बाद अगर आप श्रद्धा पर आगे गए तो फिर ये श्लोक मेरे और आप पे लागू हो जाएगा। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती, ये श्रद्धालुओं पे लागू होता जी, विश्वासियों पर नहीं है। कि महाराज मुस्कराए
और वो ज्ञान के मोती आपके सिरों पर यूं वारने लगे जैसे माता पिता ने आपकी डोली पर, आप भी वारते होंगे नहीं, ये तो जाने मेरा रब, पर हमारे वक्त दिल खोल के वारते थे खूब सिरों पर, माँ बाप तो सिक्के वारते थे हाँ, और गरीब लोग चुनते थे, और भगवान क्या वार रही है, जो जैसे होगा वो वैसे ही वारेगा ना, भगवान ज्ञान के घर है तो आपके सिरों पर ज्ञान वारे जा रहे। बड़ा अच्छा श्लोक है ये, ऋषि के से कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने, मेरे ख्याल में दूसरे अध्याय की शुरू शुरू में है कि महाराज जी मुस्कराए आपकी किसको देखकर, आपको भगवान आपके चेहरों को नहीं देखते, वो तो श्रीमान देखता होगा, पुत्र देखता होगा, या दिया देखती होंगी, या कोई सहेली देखती होगी आपको, दोस्त भगवान तो आपकी श्रद्धा को देखते, इसलिए भगवान के बोल आपके इस गेट पे लगवा दिया गया, श्रद्धावान लगते ज्ञान, ज्ञान या भगवान एक ही बात है, मुस्कुराती है और वो क्या देंगे, यही देंगे जो उनके पास है ज्ञान, ताकि आपका लोक भी बन जाए और परलोक घर में भी जाए। माँ बड़ी खुश होती थी तो मीठी मीठी चीजें बना के देती, पिताजी खुश होते तो अपने बटवे की जंजीर ढीली करते, पिताजी मेरे पास है जो कल आपने देते, नहीं पुत्र नहीं, बटवे भी तेरी पढ़ाई पे बड़ा खुश होते, रिजल्ट आया बड़ा खुश हो, ये ले हमारे में ज्यादा से ज्यादा इनाम 5 रुपए देते थे उन दिनों के, 5 आज के पता नहीं कितने होते। राम कहते पिताजी बड़े खुश है आज तुमने 5 का नोट दे दिया, और बाप क्या देगा, और माँ मीठी मीठी चीज की शानदार बना देगी, पूड़े बना लेती थी, वो पूड़े जो आज आप बनाते हो हमारे घर में, ये नहीं तवे के, तवे वाले पूड़े, माल पूड़े नहीं, बड़ी मुस्कुराते हुए वो ज्ञान प्रदान करते हमारे अहोभाग। देवियों मेरी हार्दिक बधाई अगर आप श्रद्धा तक पहुंच चुकी हो, वरना देवियों मैं ये भी कह रहा हूं, जैसे बिजली के हर खंभे पे लिखा होता है डेंजर, और शमशान बना होता है अड़िया उड़िया, और कोई मरा हुआ बनाया के एक बड़ी डेंजरस शक्ल बना रखी होती है, इस खंभे को हाथ नहीं लगाना, हर खंभे पर इस तरह जिनमें सिर्फ विश्वास विश्वास है डेंजर, पता नहीं कोई आपको गिरा दे, इस सत्संग से निकाल के ले जाए, या इष्ट देवी छुड़वा दे, या गीता ही हाथ से छुड़ा डाले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देख लीजिए आप, ऐसा अब इस जन्म में कभी नहीं होगा, वेरी नाइस। और भी देखिए, मैं बताता हूं 2-3 और लक्षण श्रद्धा के, संसार की संकल्प विकल्प बहुत कम हो जाती है श्रद्धा के आ जाने के बाद, जैसे शादी के हो जाने के बाद वो कुंवारा लड़का अब ज्यादा आवारा गर्दी बाजारों में नहीं करेगा, ठीक है ना, हाँ मैं जकड़ लेती हूं उसे, उसे अब धक्के थोड़ा खाने दूंगी, गुड। तो श्रद्धा की, श्रद्धा भी तो स्त्रीलिंग है, श्रद्धा के आ जाने पर जीव का मन, आप तो तन को पकड़ती हो ना अपने श्रीमान के, धक्के ना खाए अब तो, अब इसी तरह श्रद्धा किसके लिए है, हमारे अंतःकरण के लिए, अंतःकरण का छोरा मन अब इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प अब तो करेगा नहीं, करेगा तो कम हो जाएगा, एक लक्षण। दूसरा लक्षण देखिए, अंदर एक विशेष प्रकार की सुफूर्ति, विशेष प्रकार का उत्साह बना रहेगा, राज की बात थी मेरे से जान लो मेरी बेटी, ये बड़े जरूरी है आपकी साधना के दिनों में, ये राज की बातें बड़ी जरूरी है। अच्छा, एक विशेष प्रकार का उत्साह बना रहेगा, श्रद्धा अगर आ गई आपके मन के अंदर, और जाप चल पड़ेगा आपके इष्ट देव का, ये 3 लक्षण हमें बताए गए, अगर ये 3 लक्षण है तो आप में श्रद्धा आ गई है। संसार के संकल्प विकल्प या तो आएंगे नहीं या घट जाएंगे, विशेष प्रकार की सुफूर्ति या उत्साह बना रहेगा। तीसरा, फिर बच्चे मैंने सुफूर्ति बताई, तीसरा भगवान जी का पावन नाम आपके लमों पे नाचने लगेगा। अगर ये 3 लक्षण है, हमें 3 लक्षण बताए गए, 3 ही हमने अपने अंदर देखे, अब आपने भी देखना कि 3 मेरे पर घट रहे हैं लक्षण, तब तो आप श्रद्धा में, या किसी की मजाल नहीं कि आपको इस मार्ग से जरा भी नीचे कर सके। अब क्या करेंगे, पुत्रो उत्तर उन्नति करते चले जाएंगे, नो बैरियर नो हिंड्रेंस, लाइन क्लियर। अगर आप फेथ पे आ गए, श्रद्धा पे आ गए, समय थोड़ा रह गया, आगे बढ़ू। साधक का दूसरा गुण एकाग्रता, कभी ना भूलना। एकाग्रता का मतलब क्या होता है, एक और मन हो जाना, अग्र होता है कोना, बेटी अग्र संस्कृत शब्द है, अ गा के पेट में रा, अग्र बन गया, हाँ अग्र होता है वन पॉइंटेड, अंग्रेजी बोलेंगे वन पॉइंटेड,
अर्थात एक कोना है। उर्दू वाले बोलते हैं यकसुई, चार सू बोलते हैं चारों कोने, और अगर एक में मन लगाओ तो उर्दू वाले बोलते हैं मेरी यकसुई नहीं होती। यक मैंने फारसी शब्द है और सुई भी फारसी है, यकसुई यक मैंने एक और मेरा मन नहीं लगता। मैं फिर आ जाऊंगा एकाग्रता पर। सत्संग आप सुनते हैं आप एकाग्र हो जाते हैं, कितनी बार मैं बोलता हूं जब गीता जी पढ़ते आप एकाग्र हो जाती हैं, घर के काम करते हुए आपका मन भगवान में लगा रहता है, इसको एकाग्रता कहते हैं। आप एब्सेंट माइंडेड तो नहीं होते, अर्थात अन्य मनस्क, अन्य मैंने और मनस्क मैंने मन, आपका मन कहीं और तो नहीं चला जाता। अच्छा, या आपका मन कभी मनोराज्य तो नहीं करता? मनोराज्य किसे बोलते हैं मुझे समझाओ, मनोराज्य किसे कहते हैं? मनोराज्य होती है क्या? शेख चली मैं खड़े गए ऐसा हो जाएगा, फिर मैं पढ़ जाऊंगा ना, पढ़ने के बाद फिर मुझे फलानी चाचा जी द्वारा नौकरी मिल जाएगी ना, नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो अगर अच्छी ना हुई तो वो कहती थी मैं तुझी भाई अब अली इसने भी ये करनी है, फिर तुझे अच्छी नौकरी और शानदार ले दूंगा, ले देंगे तो कब फिर जो जो हमारे खानदान की लड़की है वो मुझे जरूर पसंद कर लेगी, पसंद करेगी, फिर पिताजी कहते बड़ा सुंदर मकान बना दूंगा, एक बड़ी अच्छी कोठी बना दूंगा, पिताजी कोठी बना देंगे, फिर मुझे कार भी ले देंगे और बढ़ता चल, इसे बोलते हैं मनोराज्य। और वैसे आम बोले बोलते शेख चिल्ली की तरह मैल खड़े करना, ये बिल्डिंग कैसल इन द एयर, अंग्रेजों के पास और कोई शब्द नहीं, हवाई किले खड़े करना, हवाई किले, धरती पर ग्राउंड नहीं बनाया हुआ, बुनियाद नहीं, हवाई किले खड़े करना। मनोराज्य बड़ी बुरी बीमारी है पर आप में नहीं रहेगी, मन की ये बड़ी बीमारी को खुद ही अपने आप बढ़ाई जा रहा, बढ़ाई जा रहा, ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा बन जाएगा। इसके लिए एक दृष्टांत महापुरुषों ने दिया है मनोराज्य बीमारी का। एक सेठ जी ने एक पीपा खरीदा अपने सरसों के तेल का और घर में ले जाने के लिए एक गरीब आदमी जा रहा था, क्यों भाई मेरे घर में ले चलेगा, जरूर ले चलूंगा, एक रुपया ले लूंगा, हाँ एक रुपया तो जरूर लेना मुझसे। अब वो ले जा, सेठ जी साइकिल हाथ में ले जा रहे हैं, अब उसने कहा एक रुपया मुझे देंगी ना, हाँ एक रुपया जाके मैं मुर्गी ले लूंगा, फिर मुर्गी अंडे देगी, फिर उनके बच्ची पालूंगा, फिर कई मुर्गी हो जाएगी, फिर ना मैं बकरियां बकरी ले लूंगा, बकरी से ना फिर और उसका लेला लीली पैदा हो जाएगी, फिर मेरे पास चार पांच बकरियां हो जाएंगी, फिर चार पांच बकरियां हो जाएंगी ना, हाँ फिर ना फिर चार पांच, फिर मैं एक गैया ले लूंगा, फिर गैया से बच्चे बचे मेरे पास चार पांच छह आठ गैया हो जाएगी, फिर दूध बेचा करूंगा, फिर बड़ी चमकान हो जाएगा, मैं जमीन ले लूंगा, उस जमीन के अंदर एक तरफ मकान बनाऊंगा और एक तरफ पशुओं बांधने का बड़ा सुंदर स्थान हो जाएगा। और पीपा रखा हुआ सिर पर और लिए जा रहे हैं सेठ जी के घर, आगे ना मेरी इतनी इज्जत बन जाएगी, फिर कोई मुझे अच्छे घराने की लड़की भी दे देगा, लड़की दे देगा, फिर मेरा एक लड़का जरूर पैदा हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा, मैं उसे बहुत अच्छा बनाऊंगा, हाँ इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारे देख के दंग रह जाएंगे, और अगर कभी वो कहना ना माना तो कहना ना माना तो मैं तो जोर का थप्पड़ लगा दूंगा, जोर का थप्पड़ मारा पीपा नीचे आ गया, तू तो सारा पीपा ही गिर गया, और नालायक क्या किया तूने, मेरा सारा पीपा गिर गया, और सेठ कोई दो हथे टूटे लग गया, तेरा एक पीपा गिर गया मेरा सारा परिवार ही नाश हो गया, तू एक पीपे ने रोना है तो मेरा सारा परिवार तो मेरा गर्क हो गया, देख मेरी औरत भी नहीं रही, मेरी गैया भी मर गई, मेरी बकरियां मर गई, तू क्या बात थी, ये मनोराज्य, तू एक पीपा रोई फिर ना, इधर देख मेरा सारा परिवार का नाश हो पड़ा। ये बीमारी आप में नहीं होगी अगर श्रद्धा तक अवस्था जा पहुंची है, इसके बाद ये एकाग्रता, जो हवाई किले खड़े नहीं करता उसका मन महाराज जी में लगा रहता, उस मेरी देवी का मन मेरे मालिक में जुटा रहता है, लगा रहता है, एकाग्रता होती है। देख लो सारी गीता सुनाने के बाद और कुछ भगवान ने नहीं कहा, सुना तब यक्षु से तूने तब, अर्जुन तूने बड़े प्रश्न किए मैंने उत्तर दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, जो कुछ मैंने सुनाया क्या तू एकाग्रता पूर्वक सुनता रहा? जी सरकार। अच्छा, अगर एकाग्रता सुनता रहा तो उसका यह प्रभाव होना चाहिए, जैसे डॉक्टर कई दिनों के बाद मतलब जी आपके पास आता है, आपने लगातार इलाज मैं जैसे कर, मैं लगातार कर रहा हूं तो कोई दर्द में फर्क पड़ा? हाँ जी पहले से फर्क है, क्यों? क्योंकि लगातार इलाज का प्रभाव, दर्दों में कमी आनी चाहिए। इस तरह भगवान ने अगर तूने लगातार उपदेश सुना है उसके जवाब क्या है? सुना तब यक्षु से तूने, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबे जहालत गया या नहीं, ये जो अज्ञानता का धोखा था गया कि नहीं, ये एक पॉइंट पकड़ लेना, क्या
कि जो एकाग्रता से गीता सुनता है उसकी कभी भी अज्ञानता नहीं रह सकती। हाय शुक्र, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। ये मैं नहीं कह रहा, नारायण बजाते खुद गीता जी में कह रही है। भगवान ने तो एक ही बार पूछा है, अर्जुन के कई सवाल, धृतराष्ट्र के कई बातें, लेकिन भगवान जी का एक ही सवाल अखीर में जाकर, तो उसकी जहालत नहीं रह सकती। बताओ, पुकारा फिर अर्जुन का लाइजाल, हुआ दूर शक और फरेब ख्याल, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके। पहले कह रहे थे मैं कुछ नहीं लड़ना लुड़ने, और कह रहे मुझे सब पता लग गया, मेरी अज्ञानता चली गई, मेरा मोह भी चला गया, मेरा मन बड़ा मजबूत हो गया है। अब जो आप कहेंगे, गोली किंदी ते गाने किंदे, गोली किंदी ते गाने किंदे, गोली भी मैं आपकी, तो ये जो गानों से आपने मुझे सजाया, ये भी तो आप ही के है, मैं ये अर्जुन भी आप ही का है, ये नर है, आप नारायण है, मेरी मूर्खता थी अज्ञानता और मोह के कारण से जो मैंने इनकार कर दिया, सॉरी सरकार मुझे क्षमा कर, अब तो आपके कहने की जरूरत है और मैंने छलांग मार दे दी। ये कृष्ये वचनम तब, आपके वचनों को अपने करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये कब हुआ? जब मेरा मन मजबूत हो गया, अज्ञानता मिली चली गई। तो यही हाल हमारा भी होना चाहिए। अगर आप एकाग्रता से गीता सुनते गए तो फिर तो जवाब वही होना चाहिए जो अर्जुन ने किया। जो जवाब अर्जुन ने दिया बच्चे आप पे लागू हो जाना चाहिए। अगर आप एकाग्रता पूर्वक सुने, ये जिज्ञासुओं का, आप जैसे श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का दूसरा गुण, मां ऋषियों के अनुभव के अनुसार, कि मैं खुद ही तो बाधक नहीं है कहीं, सुनो सुनो मेरी बुजुर्गों भाइयों बताओ बेटियों, मैं अपनी साधना में आप तो बाधक नहीं हूं है। हाँ, आप में पहला अटूट श्रद्धा है, अच्छा, आप में एकाग्रता छा जाती जब गीता पढ़ती है, एक जब आप प्रातःकाल उठ करके भगवान जी के चरणों में हाजिरी देती हैं, तो क्या आपकी एकाग्रता होती है? मनोराज्य तो नहीं मन कर रहा होता, मन आपका इधर उधर तो नहीं आवारा गर्दी कर रहा होता, भगवान करे कभी ना करे, जब आप घर में होती हैं या एनीवेयर यू बी लाइक, मन कहां होता है? निगरानी कर लिया करो, जैसे आप अपने इकलौते बच्चे की बड़ी निगरानी करते, चले तो नहीं गए, बाहर तो निकल गया, बाकी जाए तेरे भैया कहां है। अब ऐसे संभालती थी जैसे कंजूस अपने हाथ में रखे हुए सिक्के को संभाल लेता है, हर वक्त गिर तो नहीं गया, कि नाली भी इतने चल, बार बार अपने देखते रहते हैं सिक्के को, इस तरह माँ अपने बच्चे इकलौते बच्चे को देखती रहती है, हम भी अपने आप को देखते रह करें, मेरा मन कहाँ गया, मन मेरा महाराज जी के साथ लगा हुआ है ना, थोड़ी देर निगरानी करेंगे फिर आपका ये बहुत अच्छा स्वभाव बन जाएगा। ओ देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मन आपका एकाग्र रहते है ना, नहीं तो आप बाधा बन जाएंगे। भगवान का ये श्लोक रो के बोला करो, क्या बता तेरे दिल से धनंजय, कहीं फिर भी जहालत गया या नहीं, कब सुना तो भाई यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने सारी मेरी बातें एकाग्रता से सुनी, क्या जवाब दोगे अगर भगवान जी सपने में आपसे पूछे? मुझे यही डर लगा रहता था, अगर भगवान जी ने कभी मुझे सपने में या वैसे आके जंगल में पकड़ लिया और ये सवाल मेरे पे किया तो मैं जवाब क्या दूंगा। ऐसा शौक आप भी पैदा करो, ऐसी एक निराला शौक आप पैदा करो, अगर कभी मैं पकड़ा गया और मुझे कहने लगे तो मेरे लबों पर क्या जवाब आएगा। अर्जुन से पूछ सकती है, तो हम भी तो अपने इरादे के सच्चे और पक्के हैं, तो मेरा क्या आंसर होगा? अर्जुन तो छाती तान के छलांगे मार के कहने लगा, तो क्या मैं भी इसी तरह हंसते और मुस्कुराते उत्तर दे सकता हूं? देखना आपने ये दूसरा गुण आप में आ गया कि नहीं, एकाग्रता धार्मिक रूप में एकाग्र, ये गुण हर एक में नहीं आता, थोड़ी सी जीव होती है जिनमें अटूट श्रद्धा होगी तो श्रद्धा का प्रभाव एकाग्रता जरूर होगी, इसलिए इसका नंबर दो रखा गया एकाग्रता, वन पॉइंटेडनेस, बिल्कुल वन पॉइंट जिसमें लगे, लेकिन मन, इसलिए तो भगवान ने ये सारी गीता का लुब्बे लुबाव, कोई मेरे से पूछे ना सारी गीता का निचोड़ क्या है, तान काम में मन रहे, ये निचोड़ कुछ, अब अगर आप और बनाई फिरते हैं तो आपकी भूल है। मैं तो अपने अनुभव के अनुसार कहूंगा ये सारी गीता जी का लुबे लुबाव ये है, इससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है, हमेशा खुशी बनी रहती है और नाना प्रकार की गलतियों से आप बची रहती है, वेदर ही और शी, वेदर वनवासी और नगरवासी, जिनकी ये अवस्था बन गई है, हाय उनकी धूली तो मस्तक पर उठा लेनी चाहिए। जिनका मन में तो जाप होता रहता है,
और तन द्वारा अपने कर्तव्य कर्म जो है लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरा करते चले जाते हैं। वो धरती पर मनुष्य नहीं है, वो धरती पर देवता है। पहली पातशाही ऐसों के लिए ही अपने भगवान से प्रार्थना किया करती है, धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास, ओ मेरे मालिका मुझे ऐसों की चरण धूली दे दे क्या जिन्होंने मन तेरे संग पक्के रंग में रंग दिया, चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तिना दे पास धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास, जिन्होंने अपने मन को गूढ़े रंग में रंग लिया है मालिक मुझे भी मौका दे कि मैं उनकी चरण धूली उठाकर अपने मस्तक पे धारण कर लूं, शाबाश वाह। इन्हीं को दूसरे शब्दों में फरीद साईं के शब्दों में कहूं, कभी फरीद जी के दोहे पढ़ना, जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाए जरूर पढ़ना। कितना अच्छा कहा, घर से निकलने से पहले उन्होंने ये बोल दिया, खफरीदा उन घर छोड़, मां तो थी बिचारी उसके पास, अब मां को छोड़। तो एक दूसरे बार ने कहा, फरीद तुझे यहां क्या कष्ट है, तेरी मां है, तेरी साधना कराती, तेरी मां मां भी है गुरु भी है, वही तेरा तप करवा रही है या रियासत करवाती है, तो तू क्यों जाता है। सुनो तो उसका मन ने क्या जवाब दिया कि मैं घर को क्यों छोड़ रहा हूं, अपनी इकलौती मां को क्यों छोड़ रहा हूं। उठ फरीदा, आधी रात को निकल गए थे, उठ फरीदा सुतिया दुनिया देखने जा, दूर दुनिया में चलते, जैसे कोई खुरा खोजी ढूंढते रहती है, खुरा खोजी समझती है बेटी, कोई किसी की चीज गुम हो जाए तो चोरों का खुरा ले ले करके चलती है कि इसके पैर का चिन्ह कहां जा रहा है। उठ फरीदा सुतिया वो दुनिया देखने जा, मता कोई मिली बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। हाय मेरा रब्बा ओए, कोई जिसको रब ने बख्श दिया हो और अपना बना लिया, शायद तुझे कोई ऐसा मिल जाए और तू भी बख्शा जाए। तब निकल जा, उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, मता कोई मिली बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा, उसकी संगत में लाके रब तेरे पर भी मेहर कर देगा। जिसको हम बोलते हैं लकड़ी के संग लोहे, लोहा लकड़ी के सहारे परले पार हो जाता है, लोहा भी लकड़ी के संग परले पार तैर जाता है। देवियों अपने अंदर देखना, एकाग्रता छा गई, जो राज की बातें हैं जिस मार्ग में हमारे लिए साधक कहे हमने वो देखना है, क्योंकि आप श्रोता है, श्रोता में तीन गुण माने गए। अच्छा, एक तो अटूट श्रद्धा अपने इष्टदेव और उपदेश के प्रति, अच्छा जी एक एकाग्र मन एकाग्र हो जाए बस मन में, अब मन कई जन्मों तक और इस जन्म में भी बड़ी आवारा गर्दी की, बड़ी आवारा गर्दी, आप जानते हैं बेटी बड़ी आवारा गर्दी, फजूल इधर जा उधर जा, इसकी बातें बैठी है बैठ, शरीर एक जगह बैठा है और मन कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ कहावत चलती है चित कहीं ते बोत कहीं, बोत बोलते हैं शरीर को और चित बोलते हैं अंदर वाले को, चित तो कहीं जाता है, जिसका चित और बोत एक ही जगह गए वो तो इस धरती का फरिश्ता है, जिसको उर्दू वाले बोलती है हाजर में गैर हाजर नहीं, हाजर में हाजर, उसको हम देवता कहेंगे, कि जहां तन वही मन, या जहां मन वही तन, आप वही के वही, ये बड़ी मौज की बात, इतनी अवस्था नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई, फिर आपकी श्रद्धा में कमी होगी। इसका उत्तर यही दिया महापुरुषों, जिसकी एकाग्रता नहीं बनती उसकी श्रद्धा में कमी, अपनी श्रद्धा को देखो, रो रो के अपने इष्टदेव अंतर्यामी से कहो इतनी श्रद्धा तो मेरे मालिक मेरे पे कर दे, अगर मैं इरादे की, ये जरूर कहना, अगर मैं इरादे का पक्का और भक्ति में सच्चा हूं, ये दो शब्द जरूर कहने, अगर मैं भक्ति में सच्चा और इरादे का पक्का हूं मेरे पर भी मेरे इष्टदेव अटूट श्रद्धा का वरदान मिलना चाहिए, मुझे भी ये वरदान है भगवान का। बेटे मैं आपको अटूट श्रद्धा दी, ये भगवान की मेहर होती है, ये भगवान की देन है, जब किसी को अधिकारी समझती है तो उसको अटूट श्रद्धा दे देती है, तो ये आप में हो जानी चाहिए, उसके बाद एकाग्रता, ये तो अपने आप ही आएगी, ये जरूर आएगी मेरे बच्चे, एकाग्रता आनी चाहिए, उसका उसका आफ्टर इफेक्ट है किसका, अटूट श्रद्धा का। समय गुजर गया, तीसरे गुण का नाम ले लेता हूं, भगवान ने चाहा तो मुझे कल फिर इस पर प्रकाश डालना होगा। तीसरा गुण क्या है किसी को पता है, मनन, शब्द मननशीलता, बेटी मननशीलता अर्थात लगातार सुनी बातें, सारी बातों पे नहीं, सुनी बातें जो घर कर जाए मन में, स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, जो एकदम मन में चोट मारती है उन पे जाके मनन करना। हार्दिक धन्यवाद। हाँ।
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।